बहुत लॉन्ग ट्रैवल, ऑलमोस्ट 30 आवर्स के ट्रैवल के बाद हम डिनसर पहुंचे। मैं एग्जॉस्ट तो बहुत हुई पर साथ साथ एक्साइटेड भी बहुत थी एक नई प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच चुकी हूँ विंसर और ये है विंसर की ब्यूटीफुल मॉर्निंग। Apart from the high mountains and wildlife, Windsor is also famous for bird watching. और आपको यहाँ पे 140 से ज़्यादा टाइप की birds मिलेंगी। और ये पूरी में पूरा बोर्ड लगा के रखा है कितनी birds हैं। और आपको अभी स्क्रीन पे एक इमेज भी आ जाएगी आपके पास। ये देखिए गाइस, यहाँ छोटी सी बर्ड भी घूम रही है। वो देखिए। विंसर जो है ना, पहाड़ों के भी छोटा सा गांव है जहाँ नेचर अपने बेस्ट फॉर्म में। चारों तरफ ग्रीनरी, पक्षियों की आवाज, खूबसूरत मॉर्निंग, आपको ये सब देखने मिलेगा। तो आज मैं वॉक करते हुए आपको विंसर वैली घुमाऊंगी। अभी जब हम ये पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे तो मुझे यहाँ पे दिख गया एक पानी का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ वाटर। वो देखिए, इसमें इन लोगों ने टैप लगा दिया जिससे पूरा बहते जा रहा है, बिल्कुल क्लियर वाटर है ये। यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर पूरे स्टोन्स नीचे के दिख रहे हैं और ये पहाड़ों में से आ रहा है पूरा पानी, इसलिए बिल्कुल क्लियर है। और ब्यूटीफुल व्यू है उस साइड पे, जहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है क्लाउड्स नीचे ही गिर रहे हो। ये है वो व्यू, देखिए। तो जो मैंने आपको मंदिर दिखाया था वो यही मंदिर है और आप इसका गेट देखिए कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। यहाँ गणेश जी के 2 पिक्चर्स हैं, एक बैल है और पूरा कुछ मंत्र काइंड ऑफ लिखा हुआ है। बहुत सुंदर टेम्पल होगा तो हम अंदर जाएंगे। नहीं, हमने नहाया नहीं है तो हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, चलो बाहर से। बैल बजा दो। पापा लोग ऊपर हैं क्या? पापा हैं ऊपर। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत सिंपल और बहुत काम है। एक्चुअली मेरे मम्मा पापा को ऐसी प्लेसेस बहुत पसंद है जहाँ शोर ना हो और ढेर सारी ग्रीनरी हो। और अब तो मुझे भी लगता है कि सच में ये सब बेस्ट होता है। हेलो, ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी आया है। यहाँ उत्तराखंड की लोकल डिश भी है, मतलब एक चटनी है, वो है भांग की चटनी, वो भी इन्हें सर्व करी है हमको। ये देखिए, ये ऐसे ग्रीन कलर की होती है पूरी। तो ये है पूरा विंसर और आप देखिए बिल्कुल छोटी छोटी हाइट पे घर भी बने हुए हैं बीच बीच में। जैसे ये इतना भयानक माउंटेन है बट पूरे पेड़ों के बीच में वो एक घर दिखता है यहाँ पे।
डॉगी था वो बाहर तक आ गया पूरा। देखिए वो व्हाइट कलर का वो बैठा है वेट में। वो देखिए वहां आपको दिख रहा है, शायद जूम करके दिखाना पड़ेगा, बट वहीं पे बिल्कुल शांति से बैठा है। हमें लगा था वो काटेगा इसलिए हम बाहर आ गए थे, भाग गया वो। तो आप किसी भी प्लेस पर तो वहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करिए, जैसे हम लोग करते हैं। राजस्थान में अगर आपको याद होगा तो हमने वहाँ भी किया था उदयपुर एपिसोड में, तो आप चेकआउट कर लेना। अभी यहाँ पर भी हम एक लोकल शॉप पे जा रहे हैं ऑथेंटिक कुमाऊनी थाली काइंड ऑफ खाने के लिए, तो आप भी हमारे साथ चलिए। और इससे ये भी अच्छा होता है कि एक सेकेंड कार आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आई। हाँ, तो इससे ये भी अच्छा होता है कि उन लोग की भी अर्निंग हो जाती है। तो चलिए डोंट एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ कोई बहुत लग्जरी मिलेगी, बड़े बड़े मॉल्स या बड़े बड़े गेम जोन्स, नहीं। सिंपल फूड, ढेर सारा नेचर और खूब सारी वॉक, बस यही है विंडसर। लोकल रेस्टोरेंट में आ गए जिसका नाम है हयात रेस्टोरेंट, और ये एक अंकल ने बनाया है, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है। और ये हमारा खाना जो लोकल है, ये पूरा फूड था, ये है भटकी दाल, और ये गंडेरी की सब्जी, ये रायता, और ये मडवे की रोटी जो पहाड़ों में बहुत चलती है। पास जा रहे और आस पास ये पूरा गाँव है, और मतलब इतना खुला खुला है यहाँ पे, और बहुत बारिशी मौसम हो रहा है ऊपर। और ये इधर के गांव है, गांव का ये पूरा, और वहाँ एक चिकन बैठे हैं। वो ऊपर जो दिख रहा है ना, वो गांव घास का ढेर लगा लेते हैं वो, ताकि विंटर्स में जला पाए वो उसको। और अभी गांव के रास्ते से होते हैं नदी के उधर जाते हैं, और पापा और अबू तो पता नहीं कहाँ चले गए, वहाँ दूर लैंडस्लाइड भी हुआ था। पूरा ब्यूटी है इधर, पूरा गांव की। और ये देखो सीढ़ीदार खेत हैं। ये यहाँ की पूरी रॉ ब्यूटी है, और जैसा कि आप कुछ वीडियोस में देखे होंगे, अगर आप पहाड़ी वीडियोस देखते हैं, तो अभी जो टाइम है ये है न्यू बीज बोने का, तो इसीलिए यहाँ पे इस साइड मेरे एक पूरा खेत है जिसको पूरा सींच चुके, और ये पूरा गोबर का ऊपर से ने किया है, क्योंकि गोबर बहुत अच्छी मैन्योर बनाता है, और यहाँ हर खेत में ऐसे ही गोबर लगे हैं। यहाँ नीचे भी एक खेत है, वहाँ भी लगे हैं, वहाँ भी एक खेत है, वहाँ भी, तो यहाँ पूरे में ऐसे सींच के रखा है। और ये पूरी स्टेप फार्मिंग है, सीढ़ी नुमा खेत कहलाते हैं ना, जो स्टेप फार्मिंग होता है ताकि वाटर फ्लो ऐसे करते जाए नीचे तक। और ये बताइए नदी और कितने दूर है इस साइड। आप जब भी ऐसे माउंटेन प्लेसेस पे आए तो क्या करते हैं लोग, ऐसे बाहर बाहर से घूम घूम के चले जाते कि ये माउंटेन है, ये रिवर बहती है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे गाँव के अंदर जाके देखिए, ये पूरे नेचर की नेचुरल ब्यूटी देखिए। और अगर आप इसे घूमने आए तो वहाँ प्लीज गंदगी ना करें, क्योंकि इतनी मेहनत से लोग साफ सफाई करते हैं या साफ सुथरी जगहों को रखते हैं, और हम लोग जैसे आते हैं और फिर जब भी ऐसे नेचर ट्रेल वगैरह करते हैं वहाँ अपना कचरा छोड़ कर आते हैं। तो यहाँ मेरे पास भी कचरा है, बट मैं उनको यहीं ऐसे फेंक के नहीं चली जाऊंगी, मैं अपने साथ इनको रिसोर्ट तक डस्टबिन के लिए ले जाऊंगी। और अभी फिलहाल हम नदी का जा रहे हैं, मौसम इतना उल्टे रास्ते पूरा लौट रहे हैं, और यह है पूरा रास्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पीछे में फॉलो कर रहा है भालू वाली। मैं सोच रही थी कि कहाँ आग जला सकते हैं हम लोग, एक आग की जगह आई थी, मैंने सोचा कि इस आग जला के भालू को उससे डराएंगे, बट होप सो फिंगर्स क्रॉस वो नहीं आएगा। और मैं ये भी कह रही थी कि बंद करो सही से।
हम लोग अभी वापस लौट रहे हैं, भालू का एग्जॉटिक कल दिखाएंगे हम लोग। हाँ शायद हम लोग कल कार से आएंगे तब आपको मिला देंगे। और मैं कह रही थी कि उस भालू को एग्जॉटिक फूड मिलेगा पूरा इंदौरी इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं हाँ। ताकि भालू का डिनर ना बने हाँ। और मैं नीचे से उतर इस पहाड़ पे चल गई, बच गई। यहाँ का रास्ता बहुत ही डेंजरस है, कार से आना पड़ेगा। वेदर ना शाम को बहुत ही खराब हो जाता है। आ जाओ, ये पूरा रॉ हो गया है अपना पहाड़ों के गांव, पहाड़ों की ट्रैकिंग। और अगर भालू आ गया तो पहाड़ी डिनर खाएगा वो, शहरी डिनर खाएगा। ट्रैकिंग करने के बाद और दिन में पूरा गांव घूमने के बाद हम रिसोर्ट वापस लौट गए। गांव की कच्ची पगडंडियों से होते स्टेप फार्मिंग देखते और भालू से थोड़ा डरते हमने पूरा बिनसर वैली देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो बाय गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टिल देन स्टे ट्यून्ड।